यह है अपने देश की पहली वंदे मेट्रो जो कि गुजरात में अहमदाबाद से भुज के रूट में चलेगी। 16 सितंबर को इस वंदे मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अहमदाबाद में किया जाएगा। 15 और 16 सितंबर का दिन वंदे भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस दो दिन में 11 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू होगी। इसके साथ ही पहली बार वंदे मेट्रो और 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन भी पहली बार चलाई जाएगी। तो आइए देखते हैं वंदे मेट्रो को डिटेल में, इसके साथ ही किस किस रूट में 11 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू हो रही है और 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन की जरूरत क्यों पड़ गई, जबकि अधिकतर वंदे भारत ट्रेन 8 कोच वाली ही चल रही है और उसमें भी कुछ ट्रेन को पैसेंजर नहीं मिल पा रहा है। पहले खबर थी कि 15 सितंबर को 11 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू होगी। झारखंड के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का प्रोग्राम था, लेकिन बाद में इसमें चेंजिंग किया गया। अब 15 सितंबर को केवल 6 वंदे भारत ट्रेन शुरू होगी और बाकी 5 वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन 16 सितंबर को होगा गुजरात के अहमदाबाद से। इसके साथ ही वंदे मेट्रो का इनॉग्रेशन भी 16 सितंबर को ही अहमदाबाद से किया जाएगा। पहले देखते हैं 15 सितंबर को शुरू होने वाली 6 वंदे भारत ट्रेन किस किस रूट में चलेगी। तो पहली वंदे भारत ट्रेन टाटानगर से पटना के रूट में चलेगी और इस वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज चंडील, मूरी, बोकारो, गोमोह, पारसनाथ, कोडरमा और गया में भी इसका स्टॉपेज होगा। सेकेंड वंदे भारत ट्रेन वाराणसी से देवघर के रूट में चलेगी और इस वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज वाराणसी के बाद DDU, सासाराम, गया, नवादा, क्यूल और जसीडीह में भी इसका स्टॉपेज होगा। तीसरी वंदे भारत ट्रेन हावड़ा से गया के रूट में चलेगी और इस वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज हावड़ा के बाद दुर्गापुर, आसनसोल, धनबाद, पारसनाथ और कोडरमा में भी होगा। चौथी वंदे भारत ट्रेन हावड़ा से भागलपुर के रूट में चलेगी और ये वंदे भारत ट्रेन वेस्ट बंगाल से शुरू होकर झारखंड होते हुए बिहार में भागलपुर तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। इस वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज हावड़ा के बाद बेलपुर, रामपुर, दुमका, नोनीहाट, हंसडीहा, मंदार हिल और बाराहाट में भी इसका स्टॉपेज होगा। पांचवी वंदे भारत ट्रेन बरहमपुर से टाटानगर के रूट में चलेगी और छठी वंदे भारत ट्रेन हावड़ा से राउरकेला के रूट में चलेगी और इस वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज खड़गपुर, टाटानगर और चक्रधरपुर में भी होगा। तो 15 सितंबर को ये 6 वंदे भारत ट्रेन शुरू हो रही है, जिसमें से 2 ट्रेन तो टाटानगर से ही शुरू हो रही है और 3 ट्रेन हावड़ा से और 1 वंदे भारत ट्रेन देवघर से शुरू होगी और उसके अगले दिन यानी कि 16 सितंबर को 5 और नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होगी। 16 सितंबर को शुरू होने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन नागपुर से सिकंदराबाद के बीच ऑपरेट होगी और इस वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज नागपुर के बाद सेवाग्राम, चंद्रपुर, बल्लरशाह, रामगुंडम और काजीपेट में भी इस वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज होगा। नागपुर से सिकंदराबाद के बीच चलने वाली इस वंदे भारत ट्रेन में टोटल 20 कोच होगी और 20 कोच वाली ये पहली वंदे भारत ट्रेन हो जाएगी। 16 सितंबर को शुरू होने वाली सेकेंड वंदे भारत ट्रेन दुर्ग से विशाखापत्तनम के रूट में चलेगी। 16 कोच वाली ये ट्रेन छत्तीसगढ़ में दुर्ग से स्टार्ट होकर रायपुर और इन सभी स्टेशन पर रुकते हुए 8 घंटे में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम पहुंच जाएगी। थर्ड वंदे भारत ट्रेन हुबली से पुणे के रूट में चलेगी और इस वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज धारवार, बेलगावी, मिराज, सांगली और सतारा में होगा और ये वंदे भारत ट्रेन केवल 8 कोच की होगी। फोर्थ वंदे भारत ट्रेन महाराष्ट्र में कोल्हापुर से पुणे के रूट में चलेगी। ये ट्रेन कोल्हापुर से स्टार्ट होकर मिराज, सांगली, किर्लोस्करवाड़ी, करद और सतारा होते हुए पुणे के रूट में ऑपरेट होगी। पांचवी वंदे भारत ट्रेन उत्तर प्रदेश में बनारस से आगरा कैंट के बीच ऑपरेट होगी। बनारस के बाद इस ट्रेन का स्टॉपेज प्रयागराज, कानपुर, इटावा और टुंडला में भी इस वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज होगा। तो इन वंदे भारत ट्रेन के अलावा वंदे मेट्रो जो कि अहमदाबाद और भुज के रूट में चलेगी, इस वंदे मेट्रो का भी इनॉग्रेशन 16 सितंबर को ही किया जाएगा। रेगुलर रन में ये वंदे मेट्रो मॉर्निंग में 5:05 पर भुज से स्टार्ट होगी और अहमदाबाद पहुंचेगी 10:50 पर और वापसी में शाम में 5:30 अहमदाबाद से स्टार्ट होगी और भुज पहुंचेगी रात में 11:10 पर। वंदे मेट्रो वीक में 6 दिन ऑपरेट होगी। अहमदाबाद से सैटरडे को और भुज से संडे को ये ट्रेन नहीं चलेगी। वंदे मेट्रो का किराया भी क्लियर कर दिया गया है। बेसिक फेयर मिनिमम 30 रुपये और मैक्सिमम 300 रुपये होगा, जबकि मंथली सीजन टिकट 600 रुपये से 6000 रुपये के बीच होगा। तो अगले 2 दिन में 11 नई वंदे भारत ट्रेन और इसके साथ ही वंदे मेट्रो भी शुरू हो रही है
और जिस जिस रूट में ये ट्रेन चलेगी उन सभी रूट में पैसेंजर को काफ़ी फायदा होगा। वंदे मेट्रो ट्रेन के बारे में और डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पापा के इंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।